91.2 अनाइडिया छेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ हेमा। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, जब भी हमारा पैर किसी निर्जीव या सजीव वस्तु पर लग जाता है तो विष्णु कहकर क्षमा याचना किया जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि सजीव हो या निर्जीव, हमारी सभ्यता में हर वस्तु में उस दिव्यता का निवास माना जाता है। पर विष्णु ही क्यों बोला गया, ये अभी तक समझ में नहीं आया। ब्रह्मा या महेश क्यों नहीं? और क्या हम ये मान लें कि जितनी वस्तु दिखती है सब में उस दिव्यता यानी ईश्वर का निवास है? तो इसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं? रख कदम फूंक फूंक कर नाला, जर्रे जर्रे में जान है प्यारी। इश्क की दास्तान है प्यारी, अपनी अपनी जुबान है प्यारी। बिल्कुल, हर चीज में जान तो है ही है जी। और इसी बात को दर्शाने के लिए जब भी गलती से किसी चीज के ऊपर पैर लग जाए या हाथ जोर से लग जाए तो क्षमा याचना की जाती है जी। विनम्रता भी ला देती है वो चीज। इस चीज को अगर आप समझना चाहें तो याद होगा आपको, जब अति गर्व से भर गया हिरण्यकश्यप और कहने लगा कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो प्रह्लाद कहता है कि नहीं, परमात्मा तो हर जगह है। तो दम्भ के साथ बोलता है, इस स्तंभ में भी है क्या? तो प्रह्लाद बोलता है, हाँ बिल्कुल है। तो अपना गला पकड़ता है और चूर चूर करता है स्तंभ को, और स्तंभ में से निकलते हैं नर हरि। बेहतर तरीके से अगर हम समझें तो इस पूरे विकास क्रम में जो भी विकसित हुआ है, मीन कुमठ सूकर नरहरि बोलते हैं, दस अवतार चलते हैं ऐसे, सारे के सारे विष्णु के अवतार माने जाते हैं जी। इसलिए क्योंकि सृष्टि करने वाला तो ब्रह्मा होता है, पर जो चीज हमारे सामने है उसे संभाले रखने का काम विष्णु का होता है जी। और ध्वंस करने का काम महादेव का होता है। तो जब भी कोई चीज समझा हुआ है और उस पर हमारा पैर लग जाए तो हम याद करते हैं उस दिव्यता को, उस परमात्मा को, उस विष्णु को। ऑल परवेजिव बोला जाता है, जो कि हर चीज में व्याप्त हो, विष्णु की परिभाषा तो वही है जी। इसलिए विष्णु बोलते हैं उसी दिव्यता को याद करने के लिए बार बार। जितने भी जीव आसपास आपको दिखते हैं, तरीके से अगर पूछा जाए कि ये कहां से आए, तो आज की पीढ़ी बोलेगी कि डार्विन चाचा ने बोला था कि पानी में सिंगल सेल्ड हुआ, फिर धीरे धीरे पानी के में मछली हो गए, मछली से बाहर कछुए हो गए, ऐसे वगैरह वगैरह। ये तो अभी बोला गया 19वीं सदी में ना। लेकिन हमें तो विष्णु पुराण आदि काल से ये पता था कि विष्णु ने अवतार लिए हैं अलग अलग रूप में जी। पहला अवतार था मत्स्य अवतार, और कहानी कितनी प्रीति कर, किस ढांचे से बोला गया। नरेटिव कई होते हैं, एक ढंग होता है जहां कि हम ये बोलते हैं कि वो रहा चांद और इसमें जो काले धब्बे दिख रहे हैं ये क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं, और ये सिर्फ सूर्य की रोशनी को यहां वहां कर जाता है और है इतनी दूरी पर थे वगैरह वगैरह था। एक ढंग तो ये कहने का है, दूसरा ढंग ये कहने का है कि हाँ भाई ये चांद है, कितना सुंदर है, ये तुम्हारा मामा है, चंदा मामा है, चंदा मामा दूर के पुए पकाओ गुड़ के तुम खाओ। दो ढंग है बात करने के। दूसरा ढंग जब मैं शुरू कर किया एक मुस्कान से आ गई, एक एक एक, एक आह्लाद सा, एक आनंद सा आया। तो हमारा या भारतीय ढांचा कहानी को रखने का दूसरा है, ऐसा एक ढांचा जिससे कि आप व्यक्ति में परिवर्तन ला सकते हैं जी। तो विकास क्रम जो भी हुआ उस विकास क्रम को देखने का तरीका हमारा डार्विनियन नहीं है, हालांकि सिद्धांत लगभग वही है। हमारा जो ढांचा है वो इस तरह का कुछ है कि जब व्यक्ति ग्राम बनाना शुरू कर गया, शहर बनाना शुरू कर गया, तो उसमें कुछ विवेक जग गया और वो ऐसे कानून नियम बनाना शुरू किया जिससे कि कमजोर की रक्षा हो सके। तो जब सृष्टि शुरू हुई और इंसानी परिप्रेक्ष्य में शुरू हुई तो हम बांट देते हैं सृष्टि को चार युगों में, सत्व, सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चार युगों में बांट देते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी बोलती है कि एक मनु महाराज थे जो कि सूर्य को अर्घ देने के लिए गए हुए थे नदी के ऊपर, नदी पे, और उन्होंने देखा कि एक छोटी मछली के पीछे एक बड़ी मछली भाग रही है खाने के लिए। उन्होंने छोटी मछली को उठाकर अपने कमंडल में रख दिया, मछली बड़ी हो गई अपने पास के तालाब में डाल दिया, और बड़ी हो गई नदी में डाल दिया, और बड़ी हो गई समुद्र में डाल दिया। कहते हैं प्रलय हुआ पहले युग का और सतयुग शुरू होने वाला था, सब कुछ डूबने वाला था। इसी मछली ने एक नाव में हर एक चीज जो अहम और जरूरी थी उसके बीज बचा ले गए। तो धर्म रक्षति रक्षता, यानी कि मनु महाराज ने उस कमजोर को बचाया था और वही उन्हें बचा गई। तो कहने का मतलब ये कि जंगल का कानून या मत्स्य न्याय से न्याय की तरफ जब व्यक्ति आया तो सही मायने में विकास या इवोल्यूशन हुआ। तो हमारा कहना है कि मत्स्य अवतार पहला अवतार पानी में जीवन जन्म लिया जी। ठीक, डार्विन भी ये कहता है कि पानी में जीवन जन्म लिया। पहला अवतार हो गया मत्स्य अवतार। तो मत्स्य ने बचाया हर किसी को, सतयुग शुरू हो गया, चलो कहने वाले बोलते हैं ऐसा। उसके बाद मछली के बाद क्या हुआ, मछली के बाद जलचर के बाद ऐसे कुछ जीव आए जो कि जल में भी रह सकते थे और थल में भी रह सकते थे, एम्फीबियंस जिनको बोलते हैं या उभयचर बोलते हैं, है ना। तो कछुआ एक उदाहरण है बहुत बढ़िया, जिसमें कि विष्णु ने मत्स्य अवतार के बाद कच्छप अवतार ग्रहण कर लिया, और कच्छप अवतार जब ग्रहण कर लिया वो पानी में भी रह सकता था और भूमि में भी रह सकता था। तो बड़ी आवश्यकता हुई इंसान को कि ऐसी कुछ चीजों का इजाद किया जाए या ऐसी कुछ चीजों को निकाला जाए जो कि उसके काम की होगी, कहाँ रहने के लिए, भूमि में रहने के लिए। तो इसलिए समुद्र का मंथन हुआ। तो समुद्र के मंथन में कच्छप ने बड़ा योगदान दिया, सुमेरु को अपने पीठ के ऊपर रखा, मंथन वगैरह हुआ। कहने का मतलब यह है कि मत्स्य अवतार से कच्छप अवतार विकास हो गया, कच्छप अवतार से अब भूमि पर आके रहने लगा मनुष्य, भूमि पर रहने लगा तो भूमि उसे बड़ी प्रिय हो गई। तो कोई भी चीज जब प्रिय होती है, जैसे कि माँ को उसका बच्चा प्रिय होता है, तो उसका भला बुरा हर चीज से खुश होती है। आपने कभी देखा है कि माँ को अरे 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 उल्टी कर दिया, अरे 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 पेशाब कर दिया, असर कभी नहीं करती, उसमें भी स्नेह आता है उसको। तो दिखाने का बड़ा बढ़िया तरीका है कि जो सूकर होता है या जो वराह होता है वो कीचड़ में भी लुट जाता है, तो बड़ा प्रिय होता है उसको भूमि। तो विष्णु ने वराह अवतार ले लिया, और कहते हैं कि वराह अवतार में उन्होंने किस तरह से हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाया और अंधक को राजा बनाया। वराह अवतार आगे होता है जहां की अब इंसान बनने की तैयारी शुरू हो जाती है, पशु तो था ही था वो। तो हिरण्यकश्यप की कहानी जो मैंने बताई, अहंकार आ जाता है राक्षस को, अरे मैं ही मैं हूं, और कुछ भी नहीं, चीजों को समझता ही नहीं, नाश किए चलता है, जैसे हम लोग करते हैं ना आजकल, मैं बर्बाद ही कर रहे हैं, हर चीज को जला दो, उसको काट दो, उसको मार दो। तो उसी हरकत में आ गया था। तो उसका जो बेटा था प्रहलाद, उसने कहा कि हर चीज में उसी दिव्यता का निवास है, इसलिए चीजों को खराब ना करें। तो नाराज होकर जब वो उस स्तंभ को तोड़ता है तो एक आधा जानवर और आधा विकसित मनुष्य नरहरि के रूप में आते हैं और संहार करते हैं हिरण्य नरहरि। नर का मतलब मनुष्य, हरि मतलब भगवान। हाँ भगवान, तो हरि अब नर के रूप में आना शुरू हो गए हैं। तो वराह के बाद नरसिंह अवतार आ गए, और ऐसा कहते हैं ना कि हमारा विकास दो तरह के हाइपोथेसिस है, एक ईव्स हाइपोथेसिस है और दूसरा है मल्टीफैक्टोरियल या मल्टी सेक्टोरियल। ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही माँ से आए हैं जी, बिल्कुल। और दूसरी मान्यता है कि भाई हर जगह से थोड़ा विकास हुआ, लेकिन अभी मान्यता जब जेनेटिक टेस्टिंग किए गए तो सारे के सारे जेनेटिक जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सारा का सारा जाके अफ्रीका में मिल जाते हैं, कि हमारी माँ अफ्रीका में रही, अफ्रीका में पिग्मी हुआ करते थे। तो मनुष्य हुआ तो सही, लेकिन बड़ा वामन जैसा हुआ, छोटा हुआ थोड़ा। तो विष्णु ने वामन अवतार लिया, इशारे में बता दिया गया। वामन अवतार लेने के बाद
मनुष्य का विकास हुआ। आप अगर पढ़ें तो अफ्रीका से धीरे धीरे क्रोमैग्नॉन मैन जो कि लंबे लंबे आने शुरू हुए, पर बड़े अग्रेसिव ना, जिन्होंने कि नियांड्रथल पहले की जो स्पीशीज थी, मारपीट, ये छीनो वो लपटाओ, था तो मनुष्य पर बड़ा ही आक्रामक था। तो था तो वही राम, पर हाथ में परशु था। तो परशुराम अवतार जिन्होंने पृथ्वी को कई बार क्षत्रियो शून्य कर दिया, इतने क्रोधी कि पिता के आज्ञा से माँ और भाइयों को भी मार डालते थे। तो क्षमता तो हरि वाली थी उनमें, राम वाली थी उनमें, पर हाथ में परशु था। तो कहानी तो हमने पहले भी एक बार, हमने पहली एक एपिसोड में चर्चा की कि किस तरह से दत्तात्रेय के सानिध्य में आके परशुराम के हाथ से परशा छूट गया था, है ना। तो परशुराम अवतार के बाद अब धीर हो गए। इतनी उत्तेजना में कोई एक व्यक्ति समाज की सृष्टि नहीं कर सकता। समाज में रहने के लिए समाज के कुछ नियमों को मानना पड़ता है, और नियम आप दूसरे से नहीं मनाते हैं। गांधी जी कहते हैं ना, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, वही परिवर्तन आप हो जाए जो आप देखना चाहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने सारी मर्यादाएं मानी रखी, बनाई रखी, जिससे कि ये समाज चल पाया। भाई का धर्म बताया, पिता का धर्म बताया, पुत्र का धर्म बताया, पति का धर्म बताया, है ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता में विकास कैसे हो रहा देख रहे हैं, एक पशु से, अर्ध पशु से, एक बिल्कुल एक उग्र मनुष्य से, एक शांत मनुष्य राम तक आ गए। तो राम अवतार में समाज, एक पत्नी व्रता, ये तमाम तरह की चीजें बताएंगे जिससे कि परिवार बन सके, जिससे कि समाज बन सके। महाभारत उससे पहले की रामायण? नहीं, रामायण पहले है। रामायण पहले है, जो कि आपको त्रेता में होती है, उसके बाद द्वापर में कृष्ण आते हैं। तो राम हो गए, राम के बाद अगला अवतार कृष्ण, तो कृष्ण तो सारे कलाओं में संपूर्ण, मनुष्य का विकास जितने जगहों में हो सकता है, हर तरह, एक बालकों में बालक, युवानों में युवान, रसिकों में रसिक, कवि कवि में कवि, चोर में चोर, योद्धाओं में योद्धा, और रणछोड़ भी, कि मौका मिला तो रण भी छोड़ दिया। युद्ध में स्थिर, सिर्फ सारथी बनने की भी हिम्मत रखने वाले व्यक्ति, और गांधारी माँ के श्राप को भी बड़े ही क्या बोले, ग्रेसफुली, प्रेमपूर्ण, बड़े प्रेमपूर्ण, मतलब कि बिल्कुल अहोभाव से ले लेने वाले व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति तो जिनको बोलते हैं कि सभी कलाओं में परिपूर्ण, तो राम के बाद हुए कृष्ण। कृष्ण के बाद हो जाते हैं बुद्ध, बिल्कुल भी एक शांत, एक सौहार्दपूर्ण, एक ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि अगर पेड़ के नीचे भी बैठ जाए तो बेमौसम फूल खिल जाए उसमें, है ना। बोलते हैं बुद्ध के बारे में ऐसा कि इस पेड़ के नीचे वो बैठ जाते थे, बेमौसम फूल खिलते थे उसमें। तो ऐसा एक शांत गंभीर व्यक्ति, इसलिए बुद्ध का प्रभाव देखें, इतने बुद्ध ख्याति प्राप्त हुए, इतनी मूर्तियां बनी कि बुत से बुद्ध, बुद्ध से बुद्ध बोलते ना उर्दू में शब्द होता है बुद्ध, बुद्ध बन गए। और उसके बाद जो अभी का बोलते हैं लोग कलयुग, तो कल की आखिरी अवतार, फिर उसके बाद समय पलटेगा और फिर वही विकास क्रम चलेगा। इस तरह अगर हम देखें, विष्णु जो हर चीज को धारण किए हुए हैं, अलग अलग रूप ले लेते हैं, इस वजह से ऐसे विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए हर चीज में विष्णु का निवास माना जाता है।